नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौधरी, आप देख रहे हैं जीए चौधरी चैनल। मेरे अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं क्राइबिट के बारे में, जो कि है सिम्पेक्स का। आज हम इसके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखिए बड़ा सा बॉक्स, जो कि आज हम करने वाले हैं इसके अनबॉक्सिंग। और आपको ये वाला ट्राइपॉड किस प्रकार से मिल जाता है वो भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। अनबॉक्सिंग कर लेता उसके तो ये है बॉक्स, जो कि कुछ आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से इस प्रकार से मिलता है। इसको चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मेरे पास नाइफ वगैरह नहीं था, अच्छे इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, इसको खोलने के बाद मैं इसके अंदर एक और जो इसका ओरिजिनल बॉक्स है उसको भी बाहर निकाल लेता हूँ। जो कि भी देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ट्राइपॉड का बॉक्स मिल जाता है, जो कि सिम्पेक्स की तरफ से आता है। फोटो एंड वीडियो यहाँ पे सिम्पेक्स ब्रांडिंग। और ये देखिए, यहाँ पे 691 का इसका जो है मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ये देखिए, प्रोफेशनल वीडियो ट्राइपॉड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और एक्चुअल में फोटो ट्राइपॉड के उसके ऊपर बनी हुई आपको दिख जाती है। चलिए इसको भी खोल लेते हैं बॉक्स को, और देखते हैं इसके अंदर क्या मिल जाता है हम लोगों को। जो कि देखिए, इसके अंदर एक ब्लैक कलर का बैग आपको मिल जाता है, जो कि कैरी करने के लिए। इसको भी बाहर निकालता हूँ एक सेकंड के लिए मैं। ये देखिए, आपको कुछ इस प्रकार से जो है पकड़ने के लिए मिल जाता है, जो कि बैग काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का अलग दिखाई दे रहा है, जो कि ट्राइपॉड को एक जगह दूसरी जगह पर ले जाने में आपको कैरी करने में काम आएगा। जो कि देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की जीप लगी हुई है, जो कि बैग की क्वालिटी काफ़ी शानदार है। चलिए जीप को एक बार खोल लेते हैं और उसके अंदर से ट्राइपॉड को एक्चुअल में निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए, पॉलिथीन के अंदर ट्राइपॉड आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। और ये देखिए, पॉलिथीन को एक सेकंड के लिए मैं हटा लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पॉलिथीन हटाने के बाद में कुछ आपको इस प्रकार से ट्राइपॉड मिल जाता है, जो कि ब्लैक कलर में मेरे पास, जो कि सिम्पेक्स VCT691 इसका मॉडल नंबर है। जो कि ये है ट्राइपॉड, जिसका वो आपको बॉल हेड कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, जो कि टिल्ट और पैन मोड आपको मिल जाएगा। और साथ में इसको घुमाने के लिए बढ़िया अच्छे से हैंडल भी मिल जाएगा। बॉल की क्वालिटी, हेड बॉल की क्वालिटी काफ़ी आपको बढ़िया मिल जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। देखिए, यह सिम्पेक्स का, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से टिल्ट एंड पैन मोड के लिए आपको बॉल हेड मिल जाएगा, जो कि काफ़ी स्मूथ है, जो कि हाइड्रोलिक के हिसाब से काफ़ी स्मूथ। आप इससे शॉट ले सकते हो बढ़िया बढ़िया वीडियो के लिए, जो कि बड़ी आसानी से। देखिए, एक ही उंगली से इसको आप ऊपर नीचे करवा सकते हो, तो दाएं बाएं इसके शॉट ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा और सिनेमेटिक शॉट आपको इससे ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो कि ट्राइपॉड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वाला चीप क्वालिटी से बना हुआ है। प्राइस के हिसाब से वर्थ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिए, ये है इसका ऊपर वाला बॉलेट, जो आपको बड़ी स्मूथ और अच्छी तरीके से आप इसको घुमा सकते हो दाएं बाएं, जो कि बड़ी आसानी से और एकदम स्मूथ शॉट आएगा। जब भी आप वीडियो अनबॉक्सिंग करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके ऊपर आप जो बड़े से हैवी कैमरा को माउंट कर सकते हो। और यहाँ पे एक वाटर लेवलर भी दिखाएगा, जो कि आपका ट्राइपॉड जो है एक लेवल पे है या नहीं, जो कि उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और यहाँ पे सिम्पेक्स की बैजिंग है, जो कि फोटो एंड वीडियो देखिए VCT691 आ रहा है। और यहाँ पे क्लिप माउंट लिखाई गई नीचे है, और ऊपर वाले जो माउंट है उसको आप बड़े आसानी से रिमूव कर सकते हो और बड़े आसानी से लगा भी सकते हो, जो कि इसके ऊपर कैमरा बड़े आसानी से आपका लग जाएगा। यहाँ पर मोबाइल के लिए माउंट भी लगा सकते हो आप, जिसको कि निकालना और अंदर फिक्स करना काफ़ी आसान है, जो कि वन क्लिक के साथ में वाला बाहर आ जाएगा और अंदर भी चला जाएगा। और बात कर लें ट्राइपॉड की, जो कि आपको इस प्रकार के बिल्ड क्वालिटी इस प्रकार से जो आपको मिल जाती है, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको ट्राइपॉड मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे सिम्पेक्स फिर से मैं आपको दिखा दूँ ब्रांडिंग है। और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर नीचे की तरफ आपको 3 क्लिप माउंट मिल जाएंगे, जिससे कि आपको हाइट एडजस्ट करने में काम आएगा। और नीचे की तरफ जो अपने आप ग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार से दिया गया नीचे का माउंट, ये देखिए। और यहाँ पे ये वाला है, इसको ट्राइपॉड की हाइट को ऊपर अथवा नीचे करने के लिए आपको एक कुछ इस प्रकार से हैंडल दिया गया, जिसको कि घुमा के आप इसको हाइट को कम अथवा ज़्यादा कर सकते हो, जो कि बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए, मैं ऊपर और नीचे कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है वाली, यहाँ से हो जाएगा बड़े आराम से। और ऊपर की तरफ मैंने मोबाइल माउंट कर लगा दिया है, जो कि कुछ आपको इस प्रकार से मिल जाएगा देखने को, जो कि ये वाला मोबाइल ऑर्डर मैंने लगाया है उसके ऊपर। आप इसके ऊपर सीधा DSLR भी माउंट कर सकते हो, जो कि तकरीबन 3 KG तक का आप DSLR इस पर माउंट कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ से सारे सारे लॉक कर सकते हैं, जो कि इसके माउंट दिए गए। और यहाँ से 3 क्लिप होल्डर दिए गए, जिससे कि इसकी हाइट को एडजस्ट करवाओगे कुछ इस प्रकार से, और फिर इसको जो है इस प्रकार से टाइट कर सकते हो हाइट को एक जगह एडजस्ट करने के लिए। और यहाँ पे भी एक माउंट दिए गए, ताकि ट्राइपॉड फोल्ड हो अथवा बंद हो सके, जिसके लिए आपको इस प्रकार का क्लिप दिया गया, जिससे कि आप इसको लॉक कर सकते हो ऊपर नीचे करने के लिए। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से, ताकि ये वाला फोल्ड ना हो। और नीचे की तरफ हुक दिया गया, जिसको कि ट्राइपॉड को टांगने के लिए अथवा कैरी करने के लिए आप जो भी जिस प्रकार से चाहो, यहाँ पे एक हुक दिया गया, जिसको कि बड़ी आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। और ये वाला मैंने पहले ही बोल दिया, यहाँ पे हैं लेवल एडजस्टमेंट के लिए बोल। और ये देखिए, मैंने इसी ट्राइपॉड का कुछ इस प्रकार से शॉट लिए गए, जो कि आपको बड़े स्मूथ नज़र आएंगे। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर मोबाइल माउंट करके और ट्राइपॉड से ये वाला स्मूथ शॉट लिया है,
जो कि आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार के ट्राइपॉड से किस प्रकार के आप जो हैं बड़े आसानी से और अच्छे प्रकार से सिनेमैटिक शॉट ले सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वाला वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी इनेबल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह से नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम लोगों ने तकरीबन 13,000 के सब्सक्राइबर पार कर लिए, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर ऑल क्रेज सपोर्ट, और इसी तरह से आगे भी सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलता हूँ इसी तरह से नए अगले वीडियो में।